वेलकम बैक। जहाज की सवारी करनी है तो पहले अपनी शनाख्त करवाओ। अंदरून मुल्क सफर के लिए शनाख्ती कार्ड साथ रखना लाजिम करार दे दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट से भी काम चल सकता है। सिविल एविएशन ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया, जबकि इंतजामिया की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, राना मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा, इंतजामिया की जानिब से मजीद क्या कहा गया है? जी, सिविल एविएशन की जानब से लाहौर एयरपोर्ट में मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट पे एक बाकायदा तौर पर एक इश्तहारी मुहिम शुरू की गई, जिसमें ये कहा गया कि जो भी जहाज में सफर करेगा उसके पास आईडी कार्ड नंबर दो, उसका पासपोर्ट नंबर तीन, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई एक चीज होना लाजम होगी। वो अंदरून मुल्क हो या बैरून मुल्क, इन तीनों चीजों में से एक चीज का पास होना लाजिम होगा। जो सिर्फ शनाख्त के लिए ये कवायद और जवाबित नया बनाए गए हैं कि क्योंकि मौजूदा मुल्क के हालात के पेश नज़र तमाम एयरपोर्ट सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई और सिविल एविएशन की जानब से बाकायदा तौर पर इस पर इश्तहारी मुहिम शुरू कर दी गई है और तमाम एयरपोर्ट पर तमाम दाखिली रास्तों पर ये इश्तहार लगाया जाएगा कि जो भी दाखिल होगा लाहौर एयरपोर्ट पर समेत किसी भी एयरपोर्ट पर अगर मुसाफिर होगा वो भी अपनी शनाख्त करवाएगा। और उसके ठीक है, राना मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका।